श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में जो मुकाबला खेला जाना है वो बारिश की वजह से फिलहाल शुरू नहीं हो पाया है। टॉस अब तक नहीं किया गया है क्योंकि बारिश हो रही है वहाँ पर, मैदान में अभी भी कवर्स हैं, थोड़ी देर बाद बारिश बंद होने की संभावना है तब ये मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन अगर ये मुकाबला रद्द होता है तो फिर इंडिया से फाइनल में कौन खेलेगा? बड़ा सवाल ये है, क्या श्रीलंका की टीम फाइनल में जाएगी या पाकिस्तान की टीम जाएगी? आपस में आप खेलते हैं, जो जीतेगा वो चला जाएगा। लेकिन अगर बारिश होती है, मुकाबला रद्द करना पड़ता है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रिजर्व डे नहीं रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला खेला गया था वहाँ पर रिजर्व डे रखा गया था, इस वजह से वो मुकाबले का नतीजा सामने आया। लेकिन इस मुकाबले में रिजर्व डे नहीं है, क्या श्रीलंका की टीम होगी जो फाइनल में जाएगी फिर, या पाकिस्तान की टीम होगी? बारिश की संभावना बताऊं तो शाम को 6 बजे के बाद तेज़ बारिश की संभावना है, बहुत हद तक संभावना है कि मुकाबला रद्द भी करना पड़े या फिर डकवर्थ लुईस नियम इस मुकाबले में लागू किया जाए। लेकिन नेट रन रेट क्या कहता है? नेट रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका की टीम बेहतर नज़र आती है, उसकी जो स्थिति है पाकिस्तान के मुकाबले अच्छी नज़र आती है। इसका बड़ा कारण टीम इंडिया ही है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को 200 से बड़े मार्जिन से हराया है, उसके बाद से टीम इंडिया की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। टीम इंडिया क्वालिफाई कर गई फाइनल के लिए, जबकि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट का गणित है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया। श्रीलंका नेट रन रेट में बेहतर है, अगर आज बारिश होती है तो श्रीलंका की टीम ये मुकाबला रद्द होने पर भारत के साथ फाइनल में खेलेगी। लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं, आमतौर पर जो क्रिकेट फैंस हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिले। उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये मुकाबला पूरा होना चाहिए और पाकिस्तान को श्रीलंका को इस मुकाबले में हराना चाहिए। स्थिति अगर दोनों टीमों की देखें काफ़ी हद तक एक जैसी नज़र आती है। पाकिस्तान की टीम चोटों से परेशान है, नसीम जो उनके मेन बॉलर हैं वो बाहर हो गए एशिया कप से, चोट उन्हें लगी है, उस वजह से जो उनके मेन फ्रंट लाइन बॉलर हैं उनका बाहर होना बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। जबकि श्रीलंका की टीम के अगर देखा जाए पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से भारतीय टीम के सामने वो कमज़ोर नज़र आए, तो अब जब पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलने उतरेंगे जो उनका आत्मविश्वास है ज़रूर वो कम होगा। दोनों टीमें भारतीय टीम से हारी हुई हैं और भारतीय टीम से ही लड़ने के लिए यहाँ पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जैसे हमने बताया कि बारिश जो है इस गेम में वो लगातार ऑन रहेगी, तो बारिश की वजह से ये मुकाबला अगर रद्द होता है तो श्रीलंका की टीम फाइनल खेलेगी। इंडिया और श्रीलंका के बीच 17 सितंबर को एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा।